नाउ स्टूडेंट्स लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ के रिलीज बनती कैसे है लेकिन एग्जाम्पल को एलेबोरेट करने से पहले आपने सिर्फ ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि जो रिलीज प्लान होता है ना ये कोई फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं होता मतलब इस पर मल्टीपल लोग कंटिन्यूसली या साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं ऑन एंड ऑफ ना इसके अंदर एडिक्शन कर रहे होते हैं टिल वी से ये बेंचमार्क है यानी ये अप्रूव हो गया तो अब जो डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर करने लगा लगाऊँ इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको ओवरऑल रोड मैप की नज़र आएंगी और कुछ चीज़ें आपको रिलीज प्लान का पार्ट नज़र आएंगी जो कि प्रोडक्ट रोड मैप पे तो हैं लेकिन अभी वो रिलीजेज में कन्वर्ट नहीं हुए सो लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल ये रियल टाइम डॉक्यूमेंट है इसलिए इट विल बी यू नो अबिट मेसी बट स्पेयर विद मी सो नाउ स्टूडेंट्स ये एक, एक टिपिकल रोड मैप आपको नज़र आ रहा है अगर फॉर एग्जाम्पल ये अब ये जो मैंने एग्जाम्पल क्रिएट की हुई है ये जायरा से है तो अमूमन हर फीचर के साथ कोई ना कोई आई डी असाइन होती है वो यहाँ वन सिक्स फाइव टू नाइन है उसकी हाई लेवल के ऊपर डिस्क्रिप्शन है यानी मल्टी सपोर्ट हम देना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल यानी अगर हमारी वेबसाइट इंग्लिश में है उसको लट सपोज हम जर्मन में भी करना चाह रहे हैं अरबिक में भी करना चाह रहे हैं ये अब ये चीज़ें हमारे पास सेल्स या मार्केटिंग टीम से आई हैं टीम नेम इसके में लिखा है कोरमैक्स मतलब इसकी इसको डेवलप कौन करेगा इफ़ यू प्रोसीड नेक्स्ट अगले कॉलम पर आएँ तो इसके कमेंट्स हैं कि मूव टू 4.8 पॉइंट एट विद इंटरनेशनलाइजेशन येट टू बी स्टार्टेड ये रियल टाइम कमेंट्स हैं कि हम इसको इस रिलीज का पार्ट नहीं बना रहे अगली रिलीज का पार्ट बना रहे हैं 4.8 का जिसके अंदर एक और फीचर है इंटरनेशनलाइजेशन का उसको इसके साथ हम प्लान आउट करेंगे इफ़ यू मूव लेफ्ट तो आपको फॉर एग्जाम्पल अगला हमारे पास मॉड्यूल है या रिक्वायरमेंट है डी कनेक्टर ये कोरमैक्स की टीम ही कर रही है और इसको अगर आ, आगे चले हम उसके कमेंट देखें कि इसका यानी एफ एस मीन फंक्शनल इंस्पेक्ट फंक्शनल वॉक थ्रू इज़ इन प्रोग्रेस यानी जो सेल्स टीम है और प्रोडक्ट टीम है वो इंजीनियरिंग टीम को ये एलेबोरेट कर रही है कि डी बी कनेक्टर है क्या यानी फीचर क्या है क्योंकि रिक्वायरमेंट अगर हमारे पास सेल्स टीम की तरफ से आ रही है तो टेक्निकल टीम को किसी ने इसका वॉक थ्रू भी करवाना है तो दिस इज़ हाउ एक्चुअल रोड मैप या रिलीज प्लान इज़ एक्चुअली मैनेज जो चीज़ आपको मैंने इसके अंदर बतानी वो ये बतानी है कि इफ यू गो लेफ्ट के हमारे पास यहां मल्टीपल फीचर्स हैं जो येलो में हैं ये वो फीचर्स हैं जिनकी हमने एक पर्टिकुलर रिलीज बना ली है और जो वाइट में हैं वो अभी किसी रिलीज का पार्ट नहीं है लेकिन रोड मैप का पार्ट है तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एलेबोरेट हेयर रोड मैप में आपको बहुत ज्यादा फीचर्स या आइटम लिखे होते हैं रिलीज वो चीज होती है जो रोड मैप में से ही हम हम पुल करके विद पर्टिकुलर टेंजिबल डेडलाइन हम उसको एक रिलीज से हम उसको उसको मैप कर देते हैं लेकिन रिलीज क्लोज करने मतलब रिलीज की जब हमें डेडलाइन निकालनी है तो इन बिटवीन इस तरह के डॉक्यूमेंट मेंटेन हो रहे होते हैं ताकि हम ये ट्रैक कर सकें कि रिलीज का कौन सा कंपोनेंट अभी किस स्टेज के ऊपर है यानी ऐसा कतन नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि रिलीज के अंदर आठ कॉम्पोनेंट हैं और ये हमें दो महीने में करके दे दें ऐसा नहीं होता तो इसमें भी रिलीज की आद, आ, रिलीज के, के बाद उसके आ, स्टोरी पॉइंट्स यूजर स्टोरीज एस्टिमेशंस की जाती हैं उसके बाद ही आपकी स्प्रिंट्स प्लानिंग के बाद ही आपकी डेडलाइंस क्रिएट होती है तो सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव आपको ये दिखाना कि ओवरऑल रोड मैप में से ही मल्टीपल रिलीजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट की जाती हैं बाय द इंजीनियरिंग टीम